हेलो एंड वेलकम टू विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस आज आपके लिए लेके आई हूँ एक गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ आप सभी के, स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। और आज बता देती हूँ मैं आपको कि हमने एडिगोडेमी लॉन्च हो चुका है, और जिसमें आपको मिलने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स। और ये जो लेक्चर्स है वो आपको सिर्फ वड़ा पाव के प्राइस में ही मिलने वाला है। आपने सही सुना है, आपको ये जो लेक्चर्स है वो आपको वड़ा पाव के प्राइस में मिलने वाला है। मीन्स आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अब ये एडिगोडेमी क्यों आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बेस्ट क्वालिटीज लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स जो आपको लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड्स करने वाले हैं। सेकेंडली पॉइंट, यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है लेक्चर्स के, वीडियोस हमारे सभी हिंदी में होने वाले हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको मिलेगा HD क्वालिटी रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, जिसे आप कभी भी आप देख सकते हो, जब भी आप फ्री हो तभी आप ये लेक्चर्स आप वो टाइम पे देख सकते हो। फोर्थली पॉइंट, यहाँ पे आपको ये जो सिलेबस है स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लेक्चर से, वो यहाँ पे हम आप प्रोवाइड्स करने वाले हैं। उनके जो सिलेबस है वो यहाँ पे प्रोवाइड्स होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो 10 रुपीज़ के लेक्चर्स मिलने वाले, ओनली ओनली 10 रुपीज़ में आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं। और ये जो आप लेक्चर्स हैं आप किसी पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और कोई भी एप्पल प्रोडक्ट्स हो गए आप उस पर सभी पे देख सकते हो। और लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डेमो लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का है। फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। इसके पहले मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों के सब्जेक्ट्स के फर्स्ट लेसन के डेमो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक मेरे आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो फटाफट जाइए वो वीडियो देखिए, और फिर ये वाला भी आप देख सकती हो। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट लेसन अमलगनेशन ऑफ द लिमिटेड कंपनीज के लेसन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें कंपनी कैसे साथ में आती हैं, कैसे मर्ज होती हैं, उनका बीच में परचेसिंग कैसे होता है, हम अकाउंटिंग किस तरीके से करने वाले वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंस, कॉस्ट और मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग वो किसी भी चीज़ का कॉस्टिंग जो हम करते हैं वो। मैनेजमेंट जो मैनेज करना हो, कोई भी कंपनी को हमें खासकर मैनेज करना हो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड आता है, ये जो थर्ड सब्जेक्ट है फाइनेंस अकाउंटिंग, ये हमने 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना चालू किया था। अगर आपको ध्यान हो हमने बैंक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, रिटायरमेंट अकाउंट, डेट पार्टनरशिप अकाउंट, ये सब जो हमने किए थे वही सब इसमें आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेसन टॉपिक यहाँ पे। अब ये अमलगनेशन होता है क्या है, इसमें होता है कि यहाँ पे 2 कंपनी होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए ले लेती हूँ, ए और बी हैं, दोनों कंपनी हैं। दोनों कंपनी क्या सोचती हैं कि हम दोनों क्या आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। साथ में आके इन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना देते हैं एक न्यू कंपनी, उसका हम नाम ले लेते हैं ए बी कंपनी। पहले ए थी, दूसरी बी थी, दोनों सब साथ में आ गए, नाम क्या हो गया उसका, ए बी। इसी को बोला जाता है अमलगनेशन कंपनी। अब इसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है, कभी कभी कंपनी कोई छोटी कंपनी को भी अपने में कंट्रोलर ले लेती है बड़ी कंपनी भी, ये चीज़ भी होता है यहाँ पे। तो वही सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सेकेंडली यहाँ पे क्या दिया है, लिमिटेड कंपनी होती हैं जो यहाँ पे बिजनेस का, दूसरे बिजनेस जो होते हैं उनकी कंपनी का टेक ओवर कर लेती हैं। थर्ड, एक्सटर्नली ले लेती, कभी कभी कोई कंपनी लॉस में जा रही हो, ये देखना कि वो कंपनी लॉस में जा रही है, मैं ठीक करा सकता हूँ, तो वो कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है। हमें यहाँ पे किसके हिसाब से पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से पढ़ना है, ICAI के हिसाब से। सबसे पहले आता है स्कोप। स्कोप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से इसको फॉलो करना है। चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसको डील करता है। इसका तो मैंने एग्जांपल बता दिया, सेकंड होता है क्या है,
ये हमें फॉलो करना है कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से, हमें यहाँ पे फॉलो करना है जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे हम देखते हैं। ट्रांसफर वो होता है जो कर क्या करता है, बोला एक तरीके से समझ लो, ए थी और बी थी, तो ए जो है वो लॉस कर रहा था, तो बी ने क्या कर दिया, उसको टेक ओवर कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, सब उसके अपने नाम पे कर लिया, तो बी यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफॉरर कंपनी। और ट्रांसफर कंपनी क्या होती है, इन विच द ट्रांसफर कंपनी इज अमालगनेशन परचेसिंग कंपनी, ठीक है। इसमें अलग अलग होता है, वो हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे अभी। तो हमें कंपनी से एक्ट 1956 के हिसाब से हम यहाँ पे चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमें यहाँ पे देखना रहता है। यहाँ पे एक ऊपर एक पॉइंट रह गया था ट्रांसफरर एंड ट्रांसफी का, कंपनी का ट्रांसफर कौन सा होता है, जो ट्रांसफर कर रहा हो, और ट्रांसफर यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी लेता हो, मतलब उसके कंट्रोल में आ रहा हो, ठीक है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको अंडरलाइन कर दो, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आ सकता है एग्ज़ाम में आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से क्या करना चाहिए, उसके स्कोप्स क्या होते हैं, वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स। टाइप दो तरीके के इसके हैं, या वो मर्ज हो सकता है या फिर वो परचेस हो सकते हैं। मर्ज कैसे हो सकते हैं कि सभी जितने भी और असेट्स और लाइबिलिटी हैं वो ट्रांसफर जो होती है कंपनी, जो भी ट्रांसफी कंपनी होगी वो सभी अपना टेक ओवर कर लेगी वो। सेकेंडली क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं 90% से कम होने नहीं चाहिए, इस वजह से वो भी वहाँ पर ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर शेयर होल्डर इक्विटी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की अगर चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, या वो बिजनेस खुद ही ट्रांसफॉर्म कर दे ट्रांसफी कंपनी को, वो भी चलता हो। ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना बुक वैल्यू में, एसेट और लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं, तो वो भी यहाँ पे होता है, तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ मर्ज। नेचर ऑफ मर्ज बहुत ईजी है, जो नेचर ऑफ मर्ज में नहीं होगा उसको बोला जाएगा नेचर ऑफ परचेस। मतलब ये पांचों पॉइंट्स अगर फॉलोबल नहीं हो रहा या पांचों पॉइंट्स हम नहीं देख रहे हो तो उसको हम यहाँ पे बोल देंगे नेचर ऑफ परचेस। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दिया गया है मर्जर एंड परचेस के बारे में। मर्ज का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी होल्डर 90% के हिसाब से फेस वैल्यू की इक्विटी शेयर्स को कर देना है यहाँ पे। वही परचेस क्या होता है, परचेस ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं एंड नॉट बिकम इन द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफी कंपनी, वो डायरेक्टली क्या कर देगा, सेल कर देगा। और मर्ज का मतलब भी क्या हो गया, ए और बी दोनों मिलकर भी काम करेंगे। और परचेस में क्या होता है, ए ने अपनी पूरी कंपनी, अपना पूरा ऑथोरिटीज, अपने राइट्स, सब कुछ किसको दे दिया, बी को दे दिया। वहाँ पर जो भी असेट और लाइबिलिटी है वो अभी कहाँ पर चला जाएगा, कंपनी के नाम में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, असेट लाइबिलिटीज नहीं जाती हैं। देयर इज अ पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑल्सो, पोलिंग होता है कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा ये सब भी, लेकिन वो परचेसिंग में नहीं होता है। असेट और लाइबिलिटी सेम वैल्यूबल होता है, लेकिन यहाँ पे असेट और वैल्यू लाइबिलिटी की डिफरेंस होता है। आप लोग की बुक में सिर्फ नेचर ऑफ मर्ज है, आगे का जो डिस्कशन है वो सब तो आपकी ये बुक में नहीं आने वाला है। अब आता है परचेस के हिसाब से देखना है। परचेस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफॉरर कंपनी का कैसे होता है। तो दो तरीके से होता है, एक होता है लमसम मेथड से और दूसरा होता है नेट परचेसिंग मेथड से। लमसम का मतलब ही क्या हो गया, एक ही टाइम एक साथ पैसा किसी को दे देना कि ये लो मैं पैसा, इस कंपनी का इतना पैसा होता है आप ये ले लो। और वो नेट परचेस मेथड क्या होता है, सभी चीज़ का हिसाब किताब करके सब कुछ करके फिर सामने वाले को उसके हिसाब से उतना पैसा देने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया वो देख लेते हैं। एक कंपनी है
टेक ओवर कर देती है दूसरी कंपनी को, एग्री करती है परचेज के हिसाब से। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर से ऑफ ₹10 ईच एंड ₹12 ईच एंड कैश ऑफ ₹15,000। तो आप लोग क्या करोगे, वो 10,000 को ₹12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। कैश कितना था उसके पास, 50,000। दोनों को ऐड कर दो, मिल गया तुम्हें परचेज कंसीडर। फिर आता है तीसरा मेथड, नेट असेट मेथड। असेट्स का नाम लेते ही समझ जाना असेट और लायबिलिटी आ गया यहाँ पे। एक ही तरीका इसका फॉर्मूला है, असेट माइनस लायबिलिटी। क्या है फॉर्मूला, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो असेट्स में सिर्फ एक ही नहीं आता है, फिक्सुअल असेट नहीं आता है, बाकी सब कुछ आएगा। आप लोगों को गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सब लेना है। इन सभी का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लेना है। फिर इसमें से लायबिलिटी को माइनस करना है। लायबिलिटी हम ले लेंगे क्रेडिटर्स, बिल पेएबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द डिविडेंड्स। इन सबको ऐड कर दो, आउटर कॉलम में लिख दो, लेकिन ब्रैकेट में लिखना ये भूलना नहीं। असेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो और आपको मिल गया यहाँ पे परचेज कंसीडर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आज का तीसरा थर्ड मेथड। फोर्थ आता है एक्सचेंज ऑफ सेल्स मेथड। आप सेल्स मेथड को कैलकुलेट करके अपने हिसाब से ट्रांसफर कंपनी को, ट्रांसफर कंपनी के अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। अब आता है इसको हमें बुक में किस तरीके से लेना है। तो बुक में लिखने के लिए स्टेप वन है, आपको कुछ लेजर अकाउंट ओपन करने होता है। फर्स्ट आता है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड है इक्विटी शेयर होल्डर्स, थर्ड है प्रिफरेंस शेयर होल्डर, फोर्थ है कैश एंड बैंक अकाउंट, फिफ्थ है लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, सिक्स आता है ट्रांसफर कंपनी, सेवन्थ आता है इक्विटी शेयर इन ट्रांसफर कंपनी, एंड एट आता है प्रिफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी। तो ये सभी हमें यहाँ पे ओपन करना रहता है। स्टेप टू है पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। यहाँ पे हमने लेजर एंट्री देखा था, लेजर अकाउंट्स के लिए हमें ये 8 अकाउंट बनाने होते हैं। अगर आपको जनरल एंट्री एग्जाम में पूछा गया तो हमें जनरल एंट्री फॉलोअप करना रहता है। जनरल एंट्री का सबसे पहले आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनरी असेट्स अकाउंट। एक साइड डेबिट में लिख दो, दूसरा क्रेडिट में लिख देना है, जिसमें आपको फिक्स्ड असेट्स नहीं लेना है। कैश एंड बैंक अकाउंट डायरेक्टली हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही कर देते हैं। डेटर्स एंड RDD शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट अकाउंट, ठीक है, और दिस एंट्री क्लोज ऑल द असेट अकाउंट्स हो जाएगा। सेकेंड आता है सनरी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, थर्ड का कोई जरूरत नहीं। फोर्थ देख लेते हैं, जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स कैपिटल रिजर्व्स ये सब, वो सब भी हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफॉर्म कर देना। क्या क्या होता है देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम रिजर्व, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसको चला जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अभी यही इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से प्रीफ्रेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर अकाउंट जाता है। जो भी हम सेल्स करते हैं बिजनेस का, वो ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लिखते हैं वो परचेज कंसीडर जो हम फाइंड करेंगे वो यहाँ पे लिख देना है। रिसीव द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडर करेंगे तो इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी, प्रिफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी, कैश एंड बैंक अकाउंट ये कर देंगे टू ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। फिर आता है डिस्पोज ऑफ असेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफर कंपनी, जो भी नहीं लिया जाएगा उसको क्या करना है। तो उसके लिए आपको कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर डिस्चार्ज भी हो जाता है तो लायबिलिटीज अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट लॉस हुआ तो, और नहीं हुआ तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट अगर प्रॉफिट होता है तो। तो यहाँ पे आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे एंट्री होगा। पेमेंट होता है अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। सेटल ऑफ क्लेम करना हो तो प्रीफ्रेंस शेयर्स होल्डर, अगर प्रीमियम में हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, नहीं होता है तो प्रीफ्रेंस होल्डर एंड ट्रांसफर अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ पेड एट द डिस्काउंट।
बैलेंस द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट लॉस ऑन द रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. इफ द प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. अगर लॉस हुआ तो इसी का उल्टा कर देना, आप यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों में से कोई एक ही एंट्री यहाँ पे आएगी. अब क्लोज करना है सब कुछ. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरिंग कंपनी अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट. ये एक तरीके से हो गया. और इसमें अलग अलग तरीके से जनरल भी देख लिया हमने, लेजर भी देख लिया हमने यहाँ पे. और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर जनरल एंट्री पास करना है ट्रांसफर की कंपनी में तो कैसे करना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. परचेस ऑफ बिजनेस होगा तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडिटी ट्रांसफर कंपनी करेंगे. अगर जनरल लाइब्रेरी को टेक ओवर करना है तो सनरी असेट्स लेना है और गुडविल अकाउंट लेना है. तो सनरी लाइबिलिटी बिजनेस परचेस टू द कैपिटल रिजर्व. अगर डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडर करना हो तो ट्रांसफर कंपनी डिस्काउंट ऑन द इक्विटी इश्यूज ऑफ शेयर्स अकाउंट कर देना है. तो यहाँ पे हम डिस्चार्ज ऑफ कर देंगे. फिर इसके बाद आता है रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ लिक्विडिटी एक्सपेंस जो भी होगा, तो उसका एंट्री आता है कैपिटल रिजर्व कर सकते हो या गुडविल अकाउंट में टू कैश बैंक अकाउंट. सिक्स होता है जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसफर कंपनी होती है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू कैश एंड बैंक अकाउंट होता है. सेवन होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द सेटल रिजर्व्स ट्रांसफॉर्म करना हो तो अमेरिकन एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है. एडजस्टिंग ऑफ म्यूचुअल इंड्यूनेस ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर कंपनी करना हो तो सनरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सनरी डेटर्स अकाउंट. तो आप लोगों को मर्ज मेथड तो है ही नहीं, परचेस मेथड मैंने बता दिया है. अब कुछ सम देख लेते हैं जिसके आपको इजीली समझ जाएगा किस तरीके से एग्जाम्स में आपको आएगा. इसको और इजी तरीके से मैं बाद में आपको रिटर्न वर्क में भी करा दूंगी, लेकिन अभी ये डेमो लेक्चर है तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे खाली समझा रही हूँ. तो यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया गया है मे लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 इज एस फॉलो. कैपिटल दिया है, प्रीफेस दिया है, सिक्योरिटी दिया है, रिवेन्यू दिया है, सैलरी कैडर दिया है, गुडविल है, बैंक लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सैलरी डेटर्स है, स्टॉक एंड बैंक है. फिर दिया है यहाँ पे नीचे लिमिटेड एग्री टू पे ₹18 लाख कैश वैन लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर ऑन द फॉलोइंग टर्म इक्विटी शेयर होल्डर्स टू गिव द इक्विटी. तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स हुआ कितना दे रही है, 25 इक्विटी शेयर्स दे रही है. वही यहाँ पे वन लिमिटेड एवरी टू इक्विटी शेयर्स ऑफ मेल लिमिटेड 7% प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स से यहाँ पे सनरी क्रेडिटर्स दिया गया है. थर्ड में फर्म में असेट्स कुछ दिए गए हैं, मतलब 2-3 कंपनीज के नाम आ चुके देख रही हूँ यहाँ पे. चौथी कंपनी भी यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ पॉइंट में. फिर उन्हें बोला कि आपको परचेस कंसेप्ट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट टेक ओवर बनाना है, ईच इन द अबाउ कैसेस. तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले परचेस कंसेप्ट बनाना है, उसके चले जाएंगे हम अपर असेट्स देखने के लिए. गुडविल कितना दिया है, 1 लाख, तो वो हम यहाँ पे 1 लाख फॉलो कर देंगे. ये आपको यहाँ पे गुडविल ले पर 1 लाख, ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग क्या दिया है यहाँ पे, 5 लाख, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख नीचे, ठीक है. फिर यहाँ पे आपको लिख देना है फर्नीचर 80, जनरेटर 4,50,000, स्टॉक 3,80,000. तो ये सब करके हम यहाँ पे और बैंक का 90,000, ये सब का आप टोटल कर दो, आपको यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट सिक, ठीक है. इसके बाद आपको कर देना है लेस लायबिलिटी कर देना है. तो लेस लायबिलिटी करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाइए, सैलरी क्रेडिटर्स दिया है यहाँ पे, ये जो अमाउंट दिया है सब कुछ देखिए, सैलरी क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दो क्या आप लोग, इन लोग डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया है. सैलरी क्रेडिटर लिखा है 1,75,000 लिखा,
16,000 में से उतना चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा परचेस कंसीडर अमाउंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैपिटल रिजर्व्स अलग से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा परचेस कंसीन। इतना आई होप इतना आपको समझ गया हूँ। इसके बाद ऑफर्स दूसरे सेकेंड जो परचेस कंसीन हो रहा है उसको कितना देना है, तो यहाँ पे आप आ जाइए ऊपर ये लाइन, सेकेंड पॉइंट का जो फर्स्ट पॉइंट दिया है ना, इक्विटी शेयर ऑर्डर गिव 25 इक्विटी शेयर फुली पेड ऑफ ₹10 ईच, ये सब। तो इसको कैसे करना है ये देखिए, 10,000 दिया गया है, बता देती हूँ कहाँ दिया है, ये दीजिए शेयर कैपिटल में दिया है 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो वो 10,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ₹10,000 × 2 × 25 कर देंगे, ₹10 ईच के हिसाब से 9% प्रिफ्रेंसेस हम बाद में कर देंगे, पहले ₹10 के हिसाब से कर दो, 12,50,000 आ जाएगा, 9% प्रिफरेंस से ₹100 के ईच के हिसाब से 2,00,000 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो परचेज कंसीन मिल जाएगा। सेकेंड दिया है स्टेटमेंट ऑफ द नेट असेट करना है, ऑल असेट टेक ओवर एट द एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू के हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना है, जो अभी ऊपर किया था सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है। थर्ड आता है ऑफर ऑफ रेसिडेंट कर देना है, यहाँ पे हमें उन्होंने ऑफर जो रखा था सेम उसके हिसाब से करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क है। यहाँ पे हमें ये जो टेबल बना हुआ है ना थर्ड का, इसमें से हमें यहाँ पे वैल्यू लेनी है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी रहेगी वो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में से लिख लेना है। टोटल कर दोगे सेम 7% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दोगे और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा नेट इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इस तरीके से सम यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। इतना सब कुछ कंपनी एक साथ कंपनी नहीं देते, एग्जाम में आपको कुछ एक या दो कंपनी ही यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सब करना है। ये देखिए ये जो बुक का बनाना, तो कुछ इस तरीके से बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स, गुड मॉर्निंग लिमिटेड अकाउंट, प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर्स इन गुड मॉर्निंग अकाउंट, प्रिफरेंस शेयर्स इन द गुड मॉर्निंग अकाउंट लिमिटेड। तो कुछ इस तरीके से सम्स आपको यहाँ पे करना है। तो कैसे करना है वो बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड सनी डेट एंड इन्वेंटरी, कैश लिखना है ना, तो ये जो सब है अमाउंट है वो यहाँ पे हम लिख देना है माइनस के फॉर्म में करके। तो ये जितना भी असेट्स आएंगे वो आपको रिलैक्सेशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड में लिख देना है, और जो भी आपका लायबिलिटी होगा वो आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है। सेम जनरल एंट्री आपको यहाँ पे क्लियर आउट कर देना है। एक और आता है इसमें, अगर आपने अभी तक आपको फॉर्मेट नहीं देखा होगा तो बैलेंस शीट को वर्टिकली फॉर्मेट में, वर्टिकली फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आजकल ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इक्विटी लायबिलिटीज़, ये जो फॉर्मेट है ना अच्छे से याद करना पड़ेगा। पहले आता है सबसे पहले शेयर होल्डर्स आता है, शेयर होल्डर्स में शेयर्स कैपिटल एंड बी आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। थर्ड आता है करेंट लायबिलिटी, जिसमें आता है टोटल पेएबल। इस सब का टोटल करोगे आपको मिल जाएगा लायबिलिटीज। फिर आता है असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिर उसमें टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट्स। फिर आता है सेकेंडली करेंट असेट, जहाँ पे आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, इन सब को करके टोटलिंग वहाँ पे कर देना है। वो करके आपको एक माइनस करके वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका बैलेंस शीटली। आप चेक करोगे दोनों चीज़ें असेट और लायबिलिटी आपका इक्वली आना चाहिए। अब उन जो भी हमने ऊपर ये जो लिख दिख रहे हो ना ध्यान से, शेयर कैपिटल के आगे नोट वन लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे टू लिखा है, तो उसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि इक्विटी शेयर्स इतना है तो क्या करना है, प्रिफरेंस शेयर्स इतना है तो क्या करना है,
मतलब इतना डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रफली होता है, तो पीछे आप फटाफट स्पीड फास्ट में आप ये कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे बाकी के सम्स भी आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमारा ये हो चुका है लेसन कंप्लीट। ठीक है, तो आज का हमारा डेमो लेक्चर यहाँ तक ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अभी मेरे चैनल में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पे आपको एडिकोडेमिस पे भी आपको यहाँ पे लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड्स हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। जितने भी आपके TY BCom MComs के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। उन्हें भी बताओ कि सिर्फ आपको वड़ा पाव के प्राइस में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड्स होने वाले, वो भी एडिको में। तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना भूलना नहीं। बाय, टेक केयर।